नमस्कार। तो आज मथुरा वृंदावन का मेरा दूसरा दिन का ट्रिप है और सोचा कि मथुरा के दोनों कॉलेज में विजिट दिखा करके आपको वीडियो बना के दूं, लेकिन मैं तो सभी कॉलेज से पहले आया हुआ हूं। और ये मेरे पीछे जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज, जो कि आपको मथुरा में पता चलता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो जब आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, पुरानी सड़क से जो फरीदाबाद पलवल से जाती है, जिसे हम NH2 बोलते हैं, एक्सप्रेस वे नहीं, वो बड़ा कन्फ्यूज कर देता है, उस रोड पे मथुरा क्रॉस करके अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, 5-6 किलोमीटर के बाद एक सड़क राइट टर्न लेती है और वो सड़क सीधा इस कॉलेज के ऊपर आई है। उस राइट टर्न लेने के बाद 12 से 13 किलोमीटर के बाद और 5 किलोमीटर के बाद आपको एक छोटी सी जगह मिल जाती है सौंख, इसलिए इस जगह को बोलते हैं सौंख रोड। अगर आपको एड्रेस दूर से बोर्ड नजर आएगा, पाली डूंगी, इस जगह का नाम है डूंगरा, पाली डूंगरा। ये कॉलेज की बिल्डिंग है और मैं क्या बताऊँ, 2016 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था, 17-18 में ये लोग बैच नहीं ले पाए थे, आप समझ जाइए कि इनका रिकग्निशन चला गया था, परमिशन चला गया था। फिर से 19 से स्टार्ट किया और 21 सेशन में इस कॉलेज की कटाव भी 270 चली गई थी, क्योंकि इंडिया में MBBS कॉलेज की इतनी शॉर्टेज है। अब इसके अलावा बस वही बात है कि अगर आपको MBBS करनी है तो आप कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट मैं क्या बताऊँ, क्योंकि अभी मथुरा शहर भी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, सड़क ये सीधी है, गाड़ी में 15 मिनट लगे थे पहुँचने में, लेकिन गाड़ी में कोई रोड पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। कॉलेज बहुत सख्त है, तो जितना मुझे कॉलेज वालों ने बताया, आज मैं एज अ पेरेंट गया था बात करने, कि बिना परमिशन के कोई भी स्टूडेंट कॉलेज कैंपस के बाहर नहीं जा सकता। लड़कियों और लड़कों का कॉलेज हॉस्टल बिल्कुल अलग है, बहुत सख्ती है। मतलब अगर मैं एकमात्र आपको पॉजिटिव चीज़ बताऊँ, खासकर लड़कियों के पेरेंट्स के लिए, कि आपकी लड़की बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है इस कैंपस में हर तरीके से, क्योंकि उन पर बहुत सख्ती और बहुत पाबंदी है। इस पूरे कैंपस में नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल अलाउड भी नहीं है, मेस में बनना तो बहुत दूर की बात है, आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते, कैंटीन में एग भी नहीं मिलता। तो इट्स अ प्योर वेजिटेरियन कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दैट्स व्हाई द नेम इज कृष्णा मोहन। मैंने बता दिया पूरा पैकेज 2021 में 70 लाख का पड़ रहा था, इस साल 2-3 लाख ज़्यादा सारा बढ़ जाएगा। तो फीस इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, एक्चुअली वही है कि UPI कॉलेजेस में क्योंकि फीस कम है तो बच्चे बहुत एडमिशन ले रहे हैं। 270 कट ऑफ का मतलब ये था लास्ट ईयर के हिसाब से कि आप टॉप 4 लाख रैंक में थे और फिर इस कॉलेज में आए हुए हैं। बिल्डिंग अंदर से बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है, क्योंकि 5 साल पुराना कॉलेज है। मैंने मजाक में पूछा भी, क्या पहले यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था जिसे कन्वर्ट किया गया है मेडिकल कॉलेज में, जो इंडिया में बहुत जगह होता है, क्योंकि 6 साल के हिसाब से बिल्डिंग बहुत पुरानी है, दीवारें वगैरह सब काली पीली हो चुकी है, पेंट वगैरह जैसे नहीं कराया जा रहा। मे भी बजट के इशूज़ हैं, क्योंकि 2 साल कॉलेज बंद रहा था, तो काफ़ी जो इस तरह के 2-3 कॉलेज थे जो बीच में बंद हो गए थे ना, उन्हें दिक्कत ये होती है कि आपको फर्स्ट ईयर को तो पढ़ाना पड़ेगा और आपको नई फीस मिल नहीं रही है, तो आपको प्रोफेसर को जो आप हायर करते हैं उनको तो पूरी सैलरी देनी पड़ेगी, तो ऐसे कॉलेज ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। कैंटीन में हम बैठे हुए थे, लाइब्रेरी है, मैंने बोला बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल का अलग है, हॉस्पिटल है ही, एक बस खड़ी है पीछे जो कि गाँव वालों को लाती है। दिन के टाइम में OPD में 10 लोग थे, तो पेशेंट जेन्युइन पेशेंट इनफ्लो आप समझ सकते हैं, बट अब क्लासों में तो मैं जा नहीं पाता, तो कितनी सख्ती से पढ़ाई हो रही है आई एम नॉट श्योर, बट आप समझ लीजिए कि एक एवरेज मेडिकल कॉलेज है, कि आपको MBBS की डिग्री मिल जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि जो पूरी कॉलेज की मैनेजमेंट थी वो फोकस कर रही थी सेफ्टी पे, कि इस गेट के बाहर लड़के लड़के नहीं जा सकते। उसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि जो बाहर भी जाने का परमिशन है हम देते हैं एवरी सैटरडे, तो ऐसा होता है कि एक सैटरडे बॉयज़ कैन गो आउट, एक सैटरडे गर्ल्स कैन गो आउट, सो बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे कभी भी कॉलेज के बाहर जा ही नहीं सकते। तो ये सख्ती ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, इसके हिसाब से भाई अगर आपको ये चीज़ पॉजिटिव लगती है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और वैसे भी लोग ले ही लेते हैं जी, जब मैंने कहा कि 280 कट ऑफ चलेगी 2021 में, तो यू कैन इमेजिन कि इंडिया में कितनी डेस्परेशन है मेडिकल सीट्स को लेकर। तो 2022 का टाइम आने वाला है, बी रेडी टू गेट द बेस्ट द राइट कॉलेज फॉर योर किड। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हमारा नंबर वही है 9643362320, आप हमसे संपर्क करके हमारे काउंसलिंग पैकेज ले सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और मैं रोड पे खड़ा हूँ कि कॉलेज के अंदर मैं स्पेशली कह दिया था कि वीडियोग्राफी मत कीजिएगा, तो मैंने कहा खाम का मेरे इसको लेना, तो शायद आपको आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, आई होप कि आ रही होगी। तो ये है सब, ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।